अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपका एसआरटीसी रिसेट नहीं बनता है तो उससे बोर्ड में क्या प्रॉब्लम होगा। उस केस में क्या होगा कि कई बार आप देखते हैं कि आपके लैपटॉप में 19 वोल्ट की सप्लाई बनता रहता है, ऑलवेज 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई बनता रहता है, लेकिन बोर्ड आपका ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको जो चेक करना है आरटीसी रिसेट का सिग्नल चेक करना है, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम आएगा आपको डेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको नो डिस्प्ले भी इससे देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका सीमोस बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और फिर भी अगर वो बैटरी लगा होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बोर्डों में प्रॉब्लम हो, बट कुछ बोर्डों में ऐसा होता है कि जब सीमोस बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और वो बैटरी लगा ही रहता है, तो उससे भी आपको नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसके अलावा और भी इसका आरटीसी सेक्शन जो है, कुछ नए मॉडल का दो तरीके का और आरटीसी सेक्शन आए हैं।